एक रास्ता नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी इट। इसको देख के लग रहा है कि एग्जैक्टली हम नई जगह पर हैं। रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, गाय माता घूम रही है। भाई निधिवन निकलना है, निधिवन। भाई निधिवन निकलना है, निधिवन। दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं निधिवन में। निधिवन के बारे में जानेंगे, बताएंगे आप उसके रहस्यों के बारे में। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम कई रहस्यमय स्थान पा सकते हैं। कुछ अभी भी हमारे लिए अज्ञात है, कुछ का पता लगाया जाना बाकी है और कुछ का पता लग चुका है। इसी ही परंपरा को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपको लेके आए हैं निधिवन में। निधिवन के बारे में बहुत ही रहस्यमय बातें प्रचलित हैं जो आपको हम जानकारी देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। निधिवन एक और रहस्यमय प्लेस है। इस जगह को कवर करने के लिए पेड़ों की आकृति और आकार है। पेड़ छोटे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकमात्र भारत में यही स्थान है जहां पर तुलसी माता के वृक्ष पाए जाते हैं इतनी बड़ी मात्रा में। इनकी लंबाई चौड़ाई देखकर आपको आश्चर्य हो जाएगा। सबसे जो आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है, इस प्रकार के पेड़ सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। माना जाता है कि पेड़ गोपियां हैं और इन पेड़ों का जो आकार है वो उनके प्रेम के कारण है। पेड़ पक्षियों के घोंसले और कीड़ों से रहित हैं। माना जाता है कि पवित्र स्थान और भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वैज्ञानिकों ने इस प्लेस पर काफ़ी बार विजिट किया है, रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। निधिवन बांके बिहारी मंदिर है और इसे मुरलीधर, कान्हा, गिरिधर और लीलाधर के मंदिर भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। वह देव की और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। निधिवन वृंदावन में बांके बिहारी का डरा हुआ मंदिर है। मंदिर का प्रमुख भाग विशाल व्यस्त वनों से सज्जित है। मंदिर का नाम निधि से रखा गया है, जिसका अर्थ है खजाना और वन का होता है मतलब वन। हर जगह हरियाली और मुड़े हुए पेड़ हैं। जंगल के बारे में आश्चर्यचकित बात यह है कि वहाँ कुएं हैं, सभी जड़ें, शाखाएं और पेड़ों के तने हैं, लेकिन वे खोखले हैं। जीवन के नाम पर कुछ भी नहीं पाया जाता इसमें। मंदिर भी वास्तव में सूखा है और अभी भी टहनियाँ, पत्तियों और पत्तियाँ जीवंत और हरे हैं और पूरे वर्ष हरे रहते हैं। निधिवन के साथ बहुत सारी कहानियाँ, मिथक जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात यहाँ आते हैं। राधा और उनकी सभी गोपियाँ के साथ रासलीला के रूप में आध्यात्मिक गतिविधियाँ भी करते हैं। मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण और राधा की प्रतिमा सुशोभित है। मंदिर के आसपास का पार्क तुलसी के रूप में जाने वाले छोटे पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर उनका विशालकाय रूप देखा जाता है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मिथक के अनुसार स्वामी हरिदास एक आध्यात्मिक और दिव्य ऋषि थे जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हरिदास जी की समर्पित भक्ति ने ही श्री कृष्ण को उनके सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान कृष्ण की उपस्थिति का स्थान जिसे अब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन के बंद होने के बाद श्री कृष्ण और राधा प्रकट होते हैं, रासलीला करते हैं। यदि कोई भी इन गतिविधियों को देखता है वह व्यक्ति गूंगा, बहरा और अंधा हो जाता है। व्यक्ति सुबह किसी को भी उन गतिविधियों का खुलासा करने में समर्थ नहीं रहता। रंग महल के अंदर पुजारी हर दिन टूथब्रश लगाता है। साड़ी, चूड़ियाँ, पान के पत्ते, कुछ पवित्र जल के रूप में मिठाइयाँ और रात में आरती के बाद तैयार बिस्तर। सुबह में सब कुछ बिखराव पाया जाता है जैसे किसी ने इसका उपयोग किया हो, इसलिए शाम के परिसर के बाद वहाँ पर मंदिर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बोला जाता है संध्या की आरती के बाद निधिवन के सामने खिड़कियाँ सुबह तक बंद हो जाती हैं। किसी भी शरीर राधे कृष्ण रासलीला देखने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों को तो रात में घोड़ों की आवाज़ें वहाँ पर आती रहती हैं। एक रहस्यमय बात और है, शाम की आरती के बाद इस वन के अंदर दिन के समय आप बंदर देख सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वो भी शाम के बाद वहाँ पे नहीं पाए जाते। ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है और ये बातें फेमस हैं निधिवन के बारे में। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, खासकर तुलसी के वृक्षों को जिसके पत्ते तोड़ना अलाउ नहीं है, यहाँ पे आइए और चीज़ों को फील कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।